फ्रेंड्स आज आम जानवा रास्त जावा समय जदि विराटी आपण आग काटिदे कि विराटी आप दर्शन करती तेज आप कौन करेंगे कि भल भल टीप्स रही है भिडियो जहाँकि आपंक भल लगे विराटी विषय में किसी शुभ अशुभ विचार उपर मोर आउ गोटे भिडियो अपलोड करीडियोटी देखु कि विशेषकर विराटी जदि आप रास्ता काटिदे विराटी द्वारा दर्शन कले जो अशुभ फल किपरि नष्ट करेंगे से विषय में यह भिडियोटी विशेष वर्णना हो तेबे विषय आरंभ करने पूर्व मुझे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी और साइड में बेल आइकन को क्लिक करने को भूलु ना कारण आम चैनल बहुत भल भल भिड आप उपयोग होगा भिडियो अपलोड कराए तेज आसतु विषय वस्तु उपरको जावा रास्त चली चली कि जानवाहन जावा समय जदि विराटीए तुम आग दे रास्ता पार है तेरे जात्रा दोष बोली कह जाए आपण जो कार्य से कार्य सफल होवार आशंका बहुत कम थाए केतक स्थल विशेष यह दुर्घटना जनित विपदर मध्य पकाइबार संभावना थाए एवं कली झगड़ा आपणकर वृद्धि पाई जदि रास्त गला बेले विराटी आपण को रास्ता काटे तेज प्रायतः सब दृष्टि आपण एक अशुभ संकेत रूपे विचार करोष परिहार करने ये सब दोष जदि आप विराटी दर्शन करदी आपत जावा समय विराटी दर्शन करेज तार जो अशुभ फल रही से सब फल आप गोटे मंत्र जप करेंगे से मंत्री कह भिडटे मंत्री कहुई से मंत्री आप जप करते सब रिष्ट आपंकर कटि जाए यह सब विराड़ी दर्शन बा विराड़ी रास्ता काटवार दोष परिहार करने मंत्री को सात थर पाठ करूँ जिते आप विराड़ी दर्शन कर समय से रही ए मंत्री को मात्र सात थर बहुत अच्छा पछुक सात पद फेरी था आप जानते हैं पछुक सात पद फेरती से किसी आसे ना कि सात पद सहित गोटे मंत्री को जप करूँ जदि सात पद पछुक न फेरुँ तेज से ठिया हो मंत्री को जप करूँ राजा रामचंद्ररी काण मन्निथारे आड़ियाबे आंश यही मंत्री को आप जप करूँ मुझे कहीदेजी राजा रामचंद्ररी काण मन्निथारे आड़ियाबे आंश बंधु मैंने ये विषयटी ये मंत्री मुझे नामीदामी पुस्तक रू कलेक्शन कराकि भल भल पुस्तक ये मंत्री वर्णना करश्चित रूपे जिते विराड़ी देखुं मंत्री जी आप जप कर तेज आप क्षतिर किसी संभावना नहीं निश्चित रूप भल ही आप विराड़ी दर्शन जो अशुभ फलाफल से सबू बचापी यही मंत्री को आपत सात थर पाठ करतापर आप्रा करते आप्रा निश्चित रूप शुभ होता है तेज भिडियोटी किपर लगे जब भल लगी लाइक टे करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल जो भिडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथमें पापर धन्यवाद।